नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर भारत में। मैं आपके साथ प्रेमराज। पटना के लिए बहुत बड़ा खबर है, और जिस तरीके से लोग अपने दुकान खोलने के लिए उतावले हो रहे थे, उन्हीं के लिए खास करके एक खबर है। पिछले दिनों तक कई दुकान खोल रहे थे, पर अब जो पटना वासी हैं और जिनका पटना में दुकान है, वो सतर्क हो जाइए, क्योंकि अगर आप दुकान खोलते हैं और आपका दुकान खुला पाएगा तो आप पे कार्रवाई भी हो सकता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगर आपका दुकान खुला है और अगर आपको खोलने की अनुमति है, तब आप खोल सकते हैं, अन्यथा आपका जो दुकान है और खोलने की अनुमति नहीं है और खोले पकड़े गए, तो आप पे कार्रवाई हो सकती है। इसके पहले AMHA ने नोटिस जारी किया था, उसमें लिखा हुआ था कि जो दुकान है वो दुकान खोलने की अनुमति है, पर जब से पटना में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, कोरोना का असर बढ़ रहा है, तब से अब जो दुकान है, दुकानों पर लगाम लगाया जाएगा। जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और पटना के DM, जो DM है, आला अधिकारी हैं, उन सभी के साथ समीक्षक बैठक होने वाली है। उस बैठक के बाद क्या कुछ निकल के आता है, जो दुकान है दुकान किन शर्तों पर खोला जाएगा और क्या कुछ नियम कानून बनाया जाएगा, उसके बाद ही जो दुकान है दुकान खोलने की अनुमति होगी। पर जो पिछले दिनों जो नोटिस आया था, उसमें यह लिखा हुआ था कि दुकान खोलने की अनुमति है, पर जो दुकान होगा, दुकान का जो 50% कर्मचारी होंगे, 50% कर्मचारी होंगे, वही रहेंगे, और जो कर्मचारी होंगे सभी लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। और इसके पहले भी नोटिस आया था, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि जो भी रोड पर व्यक्ति निकलेंगे उनको मास्क लगाना अनिवार्य होगा। पर इन दिनों जो खबर है, वो सबसे बड़ा खबर है दुकान को लेकर। कई लोग भी थे जो दुकान खोल रहे थे, अगर जिनका परमिशन नहीं है, जिनके पास अनुमति नहीं है, अगर वो दुकान खोलेंगे तो उन पे कार्रवाई हो सकती है, कार्रवाई हो सकती है, जेल हो सकता है, और कई तरह के जो एक्शन है प्रशासन के द्वारा लिया जा सकता है। तो आप से अनुरोध है कि कुछ समय के बाद, जब समीक्षा बैठक खत्म होगी, उसके बाद जो अनुमति आएगी, जो शर्त नियम कानून आएंगे, उस पे आप दुकान खोलने की आपको अनुमति मिल सकती है। हालांकि जब से पटना के जो डाकबंगला चौराहा है, वहाँ पे एक बैंक कर्मी का संक्रमण पाया गया, तब से ये जो चौक चौबंदियाँ और खास करके बढ़ा दी गई है, क्योंकि जो पटना का डाकबंगला चौराहा है वो सबसे ज़्यादा व्यस्त रहने वाला इलाका, अगर पटना में कोई भी गतिविधियाँ होती है तो कहीं ना कहीं वो डाकबंगला चौराहा से जुड़ा हुआ रहता है, लोग वहाँ पर आते हैं जाते हैं, और कई सारे दुकान हैं, मॉल हैं। और हाँ, जो बड़े बड़े मॉल थे उनको खोलने की अनुमति नहीं थी, मॉल में जो दुकान थे उसको खोलने की अनुमति नहीं थी, जो छोटे मोटे दुकान थे, व्यापारी थे, उनको दुकान खोलने की अनुमति थी। पर अब जब से समीक्षा बैठक बोला गया होगा, उसके बाद जो सामने निकल कर आएगा, उसके बाद ही से अब निर्णय लिया जाएगा कि किन किन दुकानों को खोला जाना चाहिए और किस शर्त नियम कानून लगाकर खोलना जाना चाहिए। क्या कि जो दुकान है, दुकान में कस्टमर आते हैं, कई सारे लोग होते हैं, स्टाफ होते हैं, इसी के लिए अब समीक्षा बैठक होगी। पटना में के जो आला अधिकारी हैं वो उपस्थित रहेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जो उपस्थित रहेंगे, और कई लोग मिलकर बैठक करेंगे, उसके बाद ही जो दुकान खोलने की बात है वो सामने आएगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देखते रहे न्यूज़ फॉर भारत। न्यूज़ फॉर भारत को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।